नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका छोटीस किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ फिश फ्राई, जिसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगने वाली है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे सिर्फ 2 स्टेप्स में बनाकर तैयार कर लेंगे। फर्स्ट है मछली की मैरिनेशन और दूसरा फिश को फ्राई करना। आप इसे स्नैक्स के भी रूप में ले सकते हैं या फिर चावल या रोटी के साथ भोजन में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 छोटी मछली, वजन में ये 300 ग्राम है। आप चाहो तो इससे भी बड़ी या फिर बिल्कुल छोटी छोटी कोई सा भी मछली ले सकते हैं। इसे बनाने का प्रोसेस सेम है। तो मछली को मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। सभी मसालों को मिक्स करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं मछली में ये जो कट लगा है, इसी में मसालों को सबसे पहले भरेंगे। इससे नमक मिर्च मछली के अंदर तक अच्छे से चला जाएगा और फिर पूरे मछली के ऊपर मसालों को कोट कर लेंगे। यहाँ नीचे की तरफ भी कट लगा है, इसमें भी मसालों को अच्छे से भर लेंगे और इसी तरह दोनों मछली को मसालों से अच्छे से कोट कर लेंगे। मछली के ऊपर मसालों को अच्छी तरह कोट करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। आप चाहो तो तुरंत भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर रखने से नमक लिक्विड फॉर्म में होकर मछली के अंदर इक्वली फैल जाती है और नमक का टेस्ट पूरी मछली में सभी साइड समान रहती है। मछली को मैरिनेट किए हुए 10 मिनट हो चुका है और अब इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने लिया है 1 फ्राई पैन। इसमें डाल देंगे मछली को फ्राई करने के लिए तेल। मैंने यहाँ 6 टेबल स्पून तेल का यूज़ किया है। आप यदि मछली को तवे पर फ्राई करेंगे तो सिर्फ 4 टेबल स्पून में आराम से मछली फ्राई हो जाएगी। जब तेल मीडियम गर्म हो जाए तो एक एक करके दोनों मछली को डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे एक साइड मछली हमारा पक गया है तो इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी डार्क गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मछली दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे नींबू प्याज हरी मिर्च के साथ गर्मा गर्म स्नैक्स के रूप में सर्व कीजिए या फिर रोटी के साथ लंच या डिनर में ले सकते हैं। तो आप भी फिश फ्राई करके अपना अनुभव मुझे बताइए, इसके लिए कमेंट्स कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल छोटीस किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।